हेलो जी, बोल रहे हैं जी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच जी। क्या हुआ मैडम जी? अरे सतीश जी, वो हमने लोन के लिए बात की थी ना, तो प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट हमारा लोन अप्रूव हो गया है। वहीं से फोन था, बोल रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही के आज दिल्ली भेजने होंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अगर आज नहीं भेजा तो फिर सीधा अगले साल की डेट मिलेगी। हाँ, तो आप अभी डॉक्यूमेंट तैयार कर दीजिए, हम भी उनको भेजते हैं डॉक्यूमेंट कुरियर करने। नहीं नहीं, हम खुद सब कुछ कर लेंगे। नहीं मैडम जी, हम कर देते हैं ना अभी। अच्छा ठीक है, आप वहाँ से प्रिंटर निकाल। जी जी जी। माँ, हम ऑफिस जा रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, कहाँ घोड़ा पे सवार रहते हो, ये पराठा तो खा के जाओ। बहुत जरूरी, प्लीज। अरे बेटा, पराठा खाने से हमारा यहाँ नहीं छूट जाएगा, लो खा के जाओ, लो। आओ थोड़ा सा खा ले, आराम से आराम से, हड़बड़ाओ मत, थोड़ा सा। अरे थोड़ा, अरे बेटा थोड़ा सा और खा। माँ, हमें तो कभी इतने प्यार से जबरदस्ती खिलाया नहीं आपने। अरे नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, देखते हो ना हमेशा घोड़ा गाड़ी पर सवार रहता है, अब वैसे भी खाने पीने के मामले में चोर टाइप है ही। तो माँ जी देवर जी को बहुत ज्यादा मानती है ना, जैसे आपको बाबू जी। बहुत जरूरी, बाय भाभी, बाय भैया। हेलो, वो घर से निकल गया है। ये कुछ पेपर्स हैं, आप प्लीज इन्हें दिल्ली कुरियर कर दीजिए, अर्जेंट कुरियर सर्विस है, हम चाहते हैं ये आज ही दिल्ली पहुंच जाए। जी ये डॉक्यूमेंट्स ही है ना? जी। हाँ भाई, ठीक है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अजीब है, मोबाइल फोन होते हुए भी ये आदमी पीसीओ से क्यों फोन कर रहा है? हेलो, क्या नाम है उसका? भाई पेन देना, थैंक यू। ठीक है भाई, हाँ भाई साहब, पैसे। एक्सक्यूज मी, आपका पेपर नीचे गिर गया था। शुक्रिया। ये ले। जी की तस्वीर, मैडम जी आपका कुरियर।
हेलो हेलो तो देवजी का ऑफिस है। हेलो क्या हुआ पायल जी? नहीं, वो हम कुछ कुरियर करने के लिए कुरियर ऑफिस गए थे तो वहां पे देखा कि हमने ही आपको फोन किया था। वैसे वो था कौन? हमें कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, हम छानबीन करते हैं। हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों का अकेले जाना सुरक्षित नहीं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। किसका इतना हिम्मत हो गया जो तुम पर गोली चलवाने का जुर्रत किया? अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा। हमारा घर को लगता है ना किसी का नजर लग गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा बच गया। पायल बहू, हम तुम्हारा किस मुंह से धन्यवाद करें बेटा, समझ नहीं आ रहा है। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता हमारा बच्चा के साथ। लेकिन पायल, ये सब तुमको पता कैसे चला? भाभी, वो जो प्रोविडेंट फंड पे हमें लोन मिलने वाला है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करने गए थे। हे भगवान, क्या हुआ? वो पेपर्स जो हमें आज ही सबमिट करने थे, जिसपे हमें लोन मिलने वाला था, वो तो हम सबमिट ही नहीं कर पाए। और आज कोरियर करने की आखिरी तारीख थी। अगर आज हमने कोरियर नहीं किया तो अब ये लोन के लिए हम अगले साल ही अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा? हमने घर को बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया। अब पता नहीं 1 करोड़ रुपए कहाँ से जमा होंगे। कोनो बात नहीं बेटा, अगर हमारा नसीब में दोबारा उस घर में जाना नहीं लिखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? तुम लोगों ने कोशिश की ना, अभी मलाल तो मन में नहीं रहेगा ना कि हमने कोशिश ही नहीं की। देखो बेटा, किसी चीज का होना और ना होना ये सब अपने तकदीर पर होता है बेटा। हमारे लिए हमारे बच्चा लोगों का जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। हम तो भगवान का शुक्र मनाते हैं कि भले ही वो हमें कितना कष्ट दिए, लेकिन आज हम सबको एक साथ खड़ा तो कर दिए, एक छत के नीचे तो है, यही बहुत है हमारे लिए बेटा। हेलो रजत भैया, सॉरी भैया आज आ नहीं पाए। दरअसल आज घटना हो गई।
क्या? Oh my God, आप ठीक तो है ना? जी भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। देव जी, आप आराम करिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हम अभी रखते हैं। ओके, बाय बाय भैया। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहा देव जी ने? देखो ना, समय कितना खराब चल रहा है। देव जी के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। क्या वो ठीक तो है ना? देव जी अभी ठीक, और सुनो, ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना, माँ पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत परेशान हो। अलका, हम तुमसे भी कुछ कहना चाहते हैं। अलका, हमें माफ कर दो, हम कभी भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आए, गलत तरीके से तुमसे बात की, और तुमने हमेशा हमें समझा, कभी कोई शिकायत नहीं की, इस परिवार को हर परिस्थिति में संभाला। माफ कर दो अलका। ऐसा मत कहिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच में बहुत अच्छी हो और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुनिए ना, अब हम काहे नहीं 1 करोड़ भैया से ही मांग लेते हैं, हम कहेंगे तो वो दे भी देंगे। उस शहर में नहीं है और उनको हमारे हालत के बारे में खबर नहीं है, वरना वो खुद ही हमको आके पैसा दे देते। आप कहें तो हम बात कर लें। नहीं नहीं कुलकंद, हम तुम्हारे भैया से वैसे ही बात कर खा चुके हैं, अब और नहीं। कुलकंद जी, 1 कर्ज चुकाने के लिए हम कितना कर्जा लेंगे और कितने लोगों से? ये घर तो हम छुड़ा ही लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे ऊपर कोर्ट से नोटिस निकलवाए हैं फ्लैट का अपना पैसा वापस लेने के लिए? पूरा 4 करोड़ रुपया लौटाना है उन लोगों को। लेकिन एक बात है गुलकंद, अब जो कुछ भी करना है तो हमको खुद करना है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। आज आपका बात सुन के, आपका जमीर देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हमको ये महसूस हो रहा है कि हमारा शादी किसी गलत इंसान से नहीं, उस इंसान पे गलत साया था जो कि खत्म हो गया। आप बहुत अच्छे। अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे काश सवेरे से बच्चे के साथ एक ही काम में लगे, ये तो पायल खुद से भी बना लेगी। अरे इंदु जी, कर तो सब वही रही है ना, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई हो। मंडप बना रही है। मंडप तो जैसे चाहा था बन गया था, मगर उन सपनों का क्या जो मंडप के साथ जुड़े हुए थे, सब टूट कर बिखर गए। हम कुछ नहीं कर पाए, उसके चेहरे की हंसी के पीछे छुपा हुआ वो दर्द देख नहीं पाए। शादी के दिन जब हम उसे मिलने गए, उसने उस चीज की भनक तक नहीं लगने दी। तुम्हारी मनस्थिति हम समझ सकते हैं, क्यों क्या करें, हर लड़की के जीवन में ये दिन तो आता ही है।
शादी के मंडप में जाने का समय आ गया। कैसे माफ है उसके चेहरे के उन भावों के पीछे छुपा उसका असली दर्द अगर हम समझ जाते तो बेचारी को ये देखना नहीं। कैसे पाप है हे भगवान, ये क्या हो गया हमसे। भैया बस 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 यही यही रोक दीजिए, आगे रास्ता बहुत खराब है, आपको प्रॉब्लम आएगी बाइक निकालने में। पक्का कुड्डी? हाँ भैया, आगे वैसे भी वन वे है, आपको फिर लंबा घूम कर आना पड़ेगा। ठीक है, आराम से जाना। हाँ बाय। बाय। इसके बाप और भाई ने मिलकर हमें परेशानी में डाला है, तो हमारा भी हक बनता है ना कि हम इसे भी थोड़ा परेशान करें।